2024 के चुनाव को लेकर रणनीति अभी से ही लालू प्रसाद यादव ने शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फनिश। 2024 के लोकसभा चुनाव आने को हैं और ऐसे में हर पार्टी अपने असर से तैयारियां शुरू कर दी है। अगर हम बात बिहार की राजनीति की करें तो बिहार की राजनीति में भी 24 चुनाव को लेकर अभी से ही जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। एक तरफ जहां बिहार के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह के माध्यम से इंडिया गठबंधन के नेता शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। 26 अक्टूबर को पटना में श्री कृष्ण जयंती समारोह कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में मनाने का निर्णय लिया गया। इस जयंती समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन RJD के प्रमुख लालू यादव करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया कि जब वे पहली बार विधायक बने तब से श्री बाबू का जयंती समारोह आयोजित कर रहे हैं। इस बार दुर्गा पूजा की वजह से जयंती समारोह में आयोजन में थोड़ा विलंब हुआ है। उन्होंने बताया है कि जयंती समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को पत्र लिखा गया है। उन्हें भी इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। लालू यादव परिवार के साथ दुर्गा पूजा मनाने के लिए इन दिनों पटना में मौजूद हैं। वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आयोजन का उद्घाटन करेंगे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, मीरा कुमार और तारिक अनवर जैसे बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक सवाल में जवाब देते हुए कहा कि यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव से लेकर कोई संशय नहीं है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ है। बिहार में कैबिनेट विस्तार के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में अखिलेश सिंह ने कहा, यह CM नीतीश कुमार का विशेष अधिकार है। ये कार्य मुख्यमंत्री को करना है। जो पद रिक्त है उन्हें जल्द ही भरा जाए। एक तरफ जहां 26 अक्टूबर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया है कि श्री कृष्ण जयंती समारोह जो है वो कांग्रेस के मुख्यालय में जो किया जाएगा, इसका उद्घाटन राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करेंगे। बिहार के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव को भी लेटर लिखकर इस समारोह में शामिल होने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर भी कई बातें जो है वो निकल कर सामने आ सकती है। आने वाले 26 अक्टूबर के दिन देखना होगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से किन किन बातों को सामने रखा जाता है, किन किन मुद्दों पर सवाल उठाया जाता है। जहां एक तरफ अगर हम बात CPI की करें तो 2 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भव्य रैली किया जा रहा है और ये रैली केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से 26 अक्टूबर को जयंती समारोह आयोजन किया जा रहा है और इस समारोह में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर मत आए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।